हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोकैटलिस्ट लाइव साइंस एकेडमी। आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एबीसी फ्लावरिंग मॉडल एंड फ्लावर डेवलपमेंट इन अ प्लांट, विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीएसआईआर एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन। सीएसआईआर एग्जामिनेशन में बहुत ही ये फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स कौन से है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कौन से है, एंड एबीसी जीन म्यूटेशन हो गया तो किस प्रकार से फ्लावर डेवलपमेंट को इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर में 4 फोल्ड्स होते हैं, विच इज सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल। तो ये जो फोल्ड्स है, ये फोल्ड्स डेवलप होने के लिए, फॉर्मेशन होने के लिए क्लास ए बी सी में जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, वही जीन्स फॉर्म करते हैं इन फोल्ड्स को, दैट इज सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पेल। तो आपको पता ही है कि ये वाला जो रीजन है, ये फ्लावर का सेपल फोल्ड है, ये पेटल है, येलो कलर वाला ये है पेटल, और ये जो है ये है स्टैमेन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये स्टैमेन, और ये है इसका कार्पेल, यानी कि यहां पर हाइयर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट, कि जब फ्लावर डेवलप होना हो तब क्या होता है कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम किसमें डेवलप होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में डेवलप होता है। बट फ्लोरल मेरिस्टेम में डेवलप होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है, लाइट की क्वालिटी, डे लेंथ यानी कि लाइट ड्यूरेशन कितना है, और टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि फैक्टर अफेक्ट करता है फॉर द फ्लावरिंग इन द प्लांट। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है एराबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट का। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि लाइट अवेलेबल हो, डे लेंथ अप्रोप्रिएट हो, तो यहां पर क्या एक्सप्रेस होता है, कॉन्स्टेंस जीन एक्सप्रेस होता है, ये है कॉन्स्टेंस जीन, और ये कॉन्स्टेंस जीन एक्सप्रेस हो गया एक्ट्स एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर अ जीन एक्सप्रेशन ऑफ फ्लावरिंग लोकस टी, इसको एक्सप्रेस करवाता है फ्लावरिंग लोकस टी को, और फ्लावरिंग लोकस टी विथ फ्लावरिंग लोकस डी के साथ काम करता है, एफ डी के साथ, फ्लावरिंग डी के साथ, और दोनों मिलाकर एक्टिवेट कराते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। कौन कौन से, एपी वन, अपेटाला वन एंड LFY, दैट इज लीफी जीन। अपेटाला एंड लीफी जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं फ्लावरिंग लोकस टी एंड फ्लावरिंग डी। तो जैसे ही लीफी और फ्लावरिंग लोकस डी एक्सप्रेस होते हैं तो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, और फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स आगे एक्सप्रेस करवाते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को, और इनकी वजह से आगे सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पल यहां पर फॉर्म होते हैं इन अ फ्लावर। और ये जो फ्लावरिंग लोकस टी है और फ्लावरिंग डी है, ये आगे एक्सप्रेस करवाते हैं सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस, इस जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं, और ये भी जीन लीफी को क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। बट अगर यहां पर एप्रोप्रिएट लाइट की क्वालिटी नहीं हो, डे लेंथ एप्रोप्रिएट नहीं हो, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम नहीं हो, तो यहां पर फ्लावरिंग लोकस सी जीन एक्सप्रेस होता है, फ्लावरिंग लोकस सी, एंड दिस फ्लावरिंग लोकस सी इनिबिट द फ्लावरिंग। ये क्या करता है, किसको इनिबिट कर देता है, इनिबिट करता है SOC1 को, दैट इज सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस। और अगर इसको इसने इनिबिट कर दिया तो यहां पर क्या नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होता, यहां पर क्या रहेगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एज इट इज रहेगा, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में डेवलप नहीं होता। दूसरे फैक्टर्स यहां पर कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, यहां पर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है विच इज जिबरलिन एंड सुक्रोज पाथवे, दे ऑल्सो एक्टिवेट अ SOC1, दैट इज सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस, एंड दिस ऑल्सो एक्टिवेट्स द लीफी जीन फॉर
द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है या जीन्स है जो कि फ्लोरल मेरिस्टेम को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन बनाते हैं सीएसआर वाले। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स एक्सप्रेस होने के बाद उसी जीन को एक्ट वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं और किसको एक्सप्रेस करवाते हैं, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को। तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स तीन क्लास में डिवाइड होते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास जो ए बी सी वाले जीन्स है वो एनकोड करते हैं फॉर अ डिफरेंट जीन और प्रोटीन्स। क्लास ए एनकोड करता है एपी वन एपी टू, दैट इज अपेटाला वन अपेटाला टू। क्लास बी एनकोड्स अपेटाला थ्री एंड पिस्टिलाटा। एंड क्लास सी जीन एगेमस इज एक्सप्रेस्ड इन अ क्लास सी जीन। तो अगर यहां पर क्लास में म्यूटेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन दैट इज लॉस ऑफ क्लास एक्टिविटी, ए क्लास में अगर म्यूटेशन हो गया तो वहां पर क्लास सी वाले जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। अगर म्यूटेशन हो गया बी क्लास में तो यहां पर कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होता, यानी कि नो एक्सप्रेशन, किसी जीन का यहां पर एक्सप्रेशन नहीं होता। अगर क्लास सी में म्यूटेशन हो गया तो यहां पर क्लास ए जीन एक्सप्रेस होते हैं। क्लास ए में कौन से आते हैं, एपी वन एंड एपी टू। अगर क्लास ए में म्यूटेशन हो गया तो क्लास सी वाले जीन एक्सप्रेस होते हैं, कौन से, ओनली अगैमस। तो जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है, जो नॉर्मल फ्लावर डेवलपमेंट होता है उनमें क्या होता है, चारों ही फल्स बनते हैं, कौन से, फ्लोरल फल वन टू थ्री और फोर। तो क्लास ए अलोन स्पेसिफाइज द डेवलपमेंट ऑफ द सेपल, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वहां पर क्या बनता है, सेपल बनता है। तो क्लास बी और क्लास ए दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, पेटल्स बनाते हैं। तो क्लास ए अलोन मीन्स यहां पर कौन कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे, ए क्लास में एपी वन एंड एपी टू, बी क्लास में एक्सप्रेस होते हैं एपी थ्री एंड पिस्टिलाटा, एंड ए क्लास में यहां पर एपी वन एपी टू, बी क्लास में यहां पर एपी थ्री एंड पिस्टिलाटा, सी क्लास में यहां पर अगैमस और यहां पर भी अगैमस। तो क्लास ए अलोन डेवलप करवाता है सेपल्स को, क्लास बी विथ क्लास सी ए डेवलप होते हैं पेटल्स, क्लास बी विथ क्लास सी जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं स्टैमेन को, और क्लास सी अलोन यहां पर डेवलप करता है कार्पेल को। तो ये है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप ऑफ द फ्लावर। अगर म्यूटेशन हो गया तो किस प्रकार से फ्लावर डेवलप होता है, अगर क्लास सी में म्यूटेशन हो गया कि यानी कि उसके एक्टिविटी में लॉस हो गया, तो सी अगर म्यूटेंट है तो सी की जगह पर क्या एक्सप्रेस होगा, ए एक्सप्रेस होगा। तो जहां पर सी था यहां पर ए एक्सप्रेस हो रहा है और यहां पर भी ए एक्सप्रेस होगा। तो ये अलोन क्या बनवाता है, सेपल बनवाता है। बी और ये दोनों मिलाकर पेटल्स बनवाते हैं क्लास सी में अगर म्यूटेशन हो गया तो। तो यहां पर सी तो नहीं था, ये म्यूटेंट फॉर्म में है, तो यहां पर ए क्लास के जीन एक्सप्रेस हो गए एपी वन एपी टू, और बी में एपी थ्री एंड पिस्टिलाटा, ये दोनों मिलाकर क्या करवाएंगे, पेटल्स को फॉर्म कराएंगे या डेवलप कराएंगे, और ये अलोन यहां पर क्या फॉर्म करेगा, सेपल। तो ये हुआ क्लास सी में अगर म्यूटेशन हो गया तो इस प्रकार से फल्स बनेंगे, सेपल पेटल पेटल एंड सेपल। सीएसआर वाले इसी प्रकार से क्लास में म्यूटेशन दिखाते हैं और क्या फिनोटाइप रहेगा फ्लावर का, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी, और क्लास ए में अगर म्यूटेशन हो गया तो वहां पर कौन से क्लास के जीन एक्सप्रेस होंगे, सी क्लास के जीन एक्सप्रेस होंगे। तो देखो यहां पर ए था वाइल्ड टाइप में, यहां पर सी एक्सप्रेस हो गया,
यहां पर भी सी, तो सी अलोन क्या बनवा था वाइल्ड टाइप में, कार्पेल, तो यहां पर एक कार्पल बनवाएगा। बी और सी वाइल्ड टाइप में क्या बनवाते थे, स्टामिन, तो यहां पर भी क्या बनेगा, स्टामिन, क्योंकि यहां पर ए क्लास में म्यूटेशन है, तो यहां पर क्या एक्सप्रेस हो गया है, सी क्लास वाला जीन एक्सप्रेस हो गया है, दैट इज अगैमस, और बी और सी क्या बनवाएंगे, स्टामिन। यहां पर भी जो सी है तो ये एज इट इज एक्सप्रेस होगा, और बी और सी क्लास मिलाकर यहां पर क्या डेवलप करेंगे, स्टामिन, और सी यहां पर क्या डेवलप करेगा, कार्पेल। सो दिस इज अबाउट द क्लास ए म्यूटेशन और लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी। तो याद रखो यहां पर ए म्यूटेशन हुआ तो यहां पर एक्सप्रेस होते हैं सी क्लास वाले जीन। नेक्स्ट, लॉस ऑफ क्लास बी एक्टिविटी, अगर बी क्लास में एक्टिविटी लॉस हो गई, यहां पर बी था और यहां पर भी बी था, तो दोनों में भी अगर यहां पर म्यूटेशन हो गया तो यहां पर क्लास ए भी एक्सप्रेस नहीं होता और क्लास सी भी एक्सप्रेस नहीं होता। तो क्लास ए एक्सप्रेस होगा फर्ल वन में, फर्ल टू में भी ए ही एक्सप्रेस होगा, फर्ल थ्री में सी एक्सप्रेस होगा और फर्ल फोर में सी। तो ये अलोन क्या बनवाता है वाइल्ड टाइप में, सेपल बनवाता है, तो यहां पर ही ओनली सेपल बनेगा। देन फर्ल टू में यहां पर ए अलोन है तो यहां पर भी क्या बनेगा, सेपल, क्योंकि बी यहां पर नहीं है, और सी अलोन है तो सी अलोन क्या बनवाता है, ओनली कार्पेल। और जो फर्ल फोर है यहां पर भी सी अलोन है तो यहां पर भी क्या बनेगा, ओनली कार्पेल। यहां पर बी जीन एक्सप्रेस नहीं होते, यहां पर भी एक्सप्रेस नहीं होते, क्योंकि क्लास बी में क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है या लॉस ऑफ क्लास बी एक्टिविटी। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट CSIR के जो वीडियोज है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।